Friends, welcome back to my channel, Basic Linguistics. Today we are discussing about Broca's aphasia. So in this video we will talk about Broca's aphasia, their definition, symptom, diagnosis, etc. So let's start. First of all, we will discuss about definition of Broca's aphasia. Broca's aphasia is a non-fluent type. तो जब भी हम अफेजे की बात करते हैं, दो टाइप के अफेजिया होते हैं, एक फ्लुएंट अफेजिया होता है, एक नॉन फ्लुएंट अफेजिया होता है. तो जो ब्रोकास अफेजिया होता है वो नॉन फ्लुएंट अफेजे के अंतर्गत में आता है. ब्रोकास अफेजिया रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज टू अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन कॉल्ड ब्रोकास एरिया. ठीक है, तो जो ब्रोकास अफेजिया है वो ब्रेन के जो ब्रोकास एरिया होता है ब्रेन में, ठीक है, हम ब्रेन के एरियाज़ के बारे में बात करेंगे. एक पर्टिकुलर एरिया है ब्रेन का जिसे ब्रोकास एरिया के नाम से जाना जाता है, अगर उसमें किसी प्रकार का भी डैमेज हो जाता है तो उसे ही हम ब्रोकास अफेजिया कहते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब. जो ब्रोकास अफेजिया कहाँ है, तो ब्रोकास अफेजिया जो है वो फ्रंटल लोब में है और यूजुअली ऑन द लेफ्ट साइड. तो ब्रेन के लेफ्ट साइड में फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में ही ब्रोकास एरिया लोकेटेड होता है और अगर उसमें किसी तरह का डैमेज हो जाता है तो उसे ही हम ब्रोकास अफेजिया बोलते हैं. इट्स वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच एंड मोटर मूवमेंट. तो ये जो पार्ट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम ब्रोकास एरिया कहते हैं या हम कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब का जो एरिया है लेफ्ट साइड में, उस वो किसके लिए होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्पीच एंड मोटर मूवमेंट. जो भी हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं या जो भी मूवमेंट है, मोटर मूवमेंट है, वो सबको वही रिस्पॉन्सिबल रहता है, पूरी तरीके से रिस्पॉन्स वही करता है. तो अगर उसी एरिया में किसी तरह का भी डैमेज हो जाता है तो इसे हमें फ़र्क पड़ता है, हमारे फ्लुएंसी में फ़र्क पड़ता है. तो इसका मतलब यह है कि होता है कि हम फ्लुएंटली उसको नहीं कह पाते, नहीं बोल पाते हैं, तो इसे हम ब्रोकास अफेजिया कहेंगे और इसीलिए इसे हम नॉन फ्लुएंट टाइप भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लुएंसी नहीं हो पाती. सो इट्स नेम्ड फॉर पियरे पाउल ब्रोका. तो जिन्होंने इसको खोजा है, जिसके नाम पर इसे हम ब्रोकास अफेजिया कहते हैं, उनका नाम है पियरे पाउल ब्रोका, अ फ्रेंच फिजिशियन हु डिस्कवर्ड द एरिया इन 1861. सो ये एक फ्रेंच फिजिशियन है जो कि जो ब्रोकास एरिया को इन्होंने डिस्कवर किया है 1861 में. ब्रोकास अफेजिया इज ऑल्सो रिफर टू एज एक्सप्रेसिव अफेजिया. इसे एक्सप्रेसिव अफेजिया भी हम कहते हैं. और ब्रोकास एरिया इज़ एन एरिया इन द फ्रंटल लोब दैट इज़ इन्वॉल्व इन स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पेसिफिकली इन प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट एंड फ्लूइड स्पीच. तो स्पीच का मतलब है, हम कह सकते हैं कि जो हम बात करते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जितने भी स्पीच प्रोड्यूस हम कर पाते हैं, वो सारे जो ये जो ब्रोकास एरिया है यही रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जब इसमें किसी तरह का भी अगर डैमेज होता है तो ओबियसली वो भी इफ़ेक्ट होगा, अफेक्टेड होगा. और जो फ्लुएंटली हम स्पीच का यूज़ कर पाते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं इसके थ्रू, अगर ऐसा हो जाता है तो. सो ऑल्सो कुछ चीज़ें हैं कि देयर स्पीच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अग्रामेटिज्म, टेलीग्राफिक स्पीच एंड प्रिजर्वेशन. तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, कुछ टर्म. तो पहला टर्म हमने बात कर लिया, अग्रामेटिज्म. इसका मतलब होता है जहाँ पे हम ग्रामेटिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्रोड्यूस नहीं करते हैं. लाइक ग्रामेटिकल चीज़ें का मतलब है जो फंक्शनल होती हैं. फंक्शनल मतलब नाउन वगैरह हम यूज़ करेंगे, नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे, बट जो प्रोनंसिएशन हो गया या कंजंक्शंस हो गए इनका यूज़ नहीं करते हैं. तो ऐसे ही अगर केस में इसको हम अग्रामेटिज्म कहते हैं. टेलीग्राफिक स्पीच भी इसी को बोलते हैं. और प्रिजर्वेशन भी, प्रिजर्वेशन मतलब हम
कुछ को ही बोलते हैं, कुछ को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे नाउन को बोले, लाइक अगर हमें बोलना है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई गो मार्केट, लाइक दैट कुछ इस तरह से बोलते हैं। जो भी हमारा कंजंक्शंस हो गए या जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं जो बीच बीच में हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्किप कर देते हैं। हमारे माइंड में रहता है, हम कहना वही चाहते हैं बट हम कह नहीं पाते, वो फ्लुएंसी ही नहीं आती है। तो कुछ इस तरह से हम ये नॉन फ्लुएंट अफेसिया को समझ सकते हैं। तो और देख लेंगे इसके बाद आगे इसके बारे में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ब्रोकास अफेसिया, ये आपको ब्रेन का डायग्राम दिख रहा है, ये ब्रेन का डायग्राम है। तो जब आप हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने वीडियो इसमें अपलोड कर लिया है ऑलरेडी, अगर आपको कोई भी अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए, मैंने ब्रेन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें जितने भी आपके लोब्स हैं, फ्रंटल लोब है ना, टेम्परल लोब है, ऑसिपिटल, सारे लोब्स हैं और हेमिस्फेयर्स हैं, इनके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ हम ब्रोकास अफेसिया के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे ब्रोकास रीजन। ब्रोकास रीजन ये आप देख सकते हैं, ब्रोकास रीजन है, ये फ्रंटल लोब का पार्ट होता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ पे अगर किसी तरह का भी अगर डैमेज होता है, इट मीन्स आपको ब्रोकास अफेसिया होने के चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसके सिम्टम की बात कर लें। तो सिम्टम में इफ़ यू हैव ब्रोकास अफेसिया, कोई भी पेशेंट है जिसको ब्रोकास अफेसिया है, सो यू हैव यू मे बी एबल टू कंप्रेहेंड व्हाट्स बीइंग सेड बट बी अनएबल टू स्पीक fluently because your brain isn't able to control the fluency of your speech. So it means जो भी स्पीच आप बोलना चाहते हैं, जो भी कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके ब्रेन में होता है, आप वो चाहते हैं कि आप वो चीज़ें बोलें, बट आपका ब्रेन जो होता है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, उस फ्लुएंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता जिस फ्लुएंसी में आप उसको बोलना चाहते हैं, इसलिए वो फ्लुएंटली आप उसको नहीं कह पाएंगे। दिस मे मेक यू वेरी फ्रस्ट्रेटेड सिंस यू नो व्हाट यू वांट टू से बट कांट गेट वर्ड्स आउट द वे यू विश टू। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जानते हो कि आपको क्या कहना है बट आप चाहकर भी उसको फ्लुएंटली नहीं कह पाते, तो इट मींस आप फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही। तो कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब ब्रोकास अफेसिया होता है, और ये एक सिम्टम के रूप में हम इसको नेक्स्ट देख लेंगे। तो कुछ आपको दिख रहा होगा कुछ क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो पुअर और एब्सेंट ग्रामर, जैसे मैंने पहले ही बात कर लिया, इसी को ही अग्रमैटिज्म बोलते हैं या टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं या प्रिजर्वेशन बोलते हैं, जिसमें हम पुअर ग्रामर मतलब कुछ ही चीज़ों को बोलेंगे, कुछ को इग्नोर कर देंगे या नहीं बोल पाते। डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, उसमें डिफ़िकल्टी होगी। ऑमिटिंग सर्टेन वर्ड्स सच एज दे द एंड कुछ वर्ड हैं जिसको हम ऑमिट कर देते हैं, नहीं बोलते हैं, जैसे द हो गया, द नहीं लगाएंगे, एंड नहीं लगाएंगे, एंड नहीं लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, लाइक दैट। जैसे हम एक सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कप में बोला, जबकि हमको बोलना है आई वॉन्ट द कप। फिर है मोर डिफिकल्टी यूजिंग वर्ब्स दैट देन नाउन करेक्टली, ठीक है, और डिफ़िकल्टी आर्टिकुलेटिंग साउंड्स एंड वर्ड, डिफ़िकल्टी रिपीटिंग व्हाट हैज़ बीन सेड बाय अदर। जब भी कोई हमसे कुछ बोला है उसको हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। ट्रबल विद राइटिंग सेंटेंसेस, डिफ़िकल्टी रीडिंग, प्रॉब्लम्स विद फुल कॉम्प्रहेंसन, डिफ़िकल्टीज फॉलोइंग डायरेक्शंस एंड फ्रस्ट्रेशन। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रोकास अफेसिया। सो नेक्स्ट इज ब्रोकास अफेसिया कॉजेस, क्या कारण होता है जिसके कारण हमें ब्रोकास अफेसिया हो सकता है। एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट डैमेज सेल्स इन द लैंग्वेज एरिया ऑफ द ब्रेन मे रिजल्ट इन अफेसिया।
ठीक है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के थ्रू कोई भी डैमेज हो जाए हमारा, कोई भी डैमेज सेल होता है जो जो कि लैंग्वेज एरिया को कंट्रोल करता है, जो कि लैंग्वेज एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ऐसे जगह में किसी प्रकार का भी कोई डैमेज होता है सर तो अफेजिया होता है। ब्रेन सेल्स डाई व्हेन ब्लड फ्लो, तो जो ब्रेन का सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो डाई हो जाती हैं व्हेन ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो टू अ पर्टिकुलर ब्रेन, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्टॉप्ड और डिमिनिश्ड। तो किसी तरह का भी कोई भी डैमेज होता है तो जो ऑक्सीजन का फ्लो है या ब्लड का फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, हमारे ब्रेन को पर्टिकुलर जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसे ये सारे कारण भी होते हैं, और स्ट्रोक भी हो सकता है इसका कुछ, आप अगर इसके कॉजेज़ पे बात करें, किसी तरह का स्ट्रोक हुआ हो या ब्रेन ट्यूमर हो या इंजरी ऑफ द ब्रेन, किसी तरह का इंजरी हुई हो, सच एज फ्रॉम अ सीवियर ब्लो ऑफ द हेड और गनशॉट वुंड या इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, ये सारी चीज़ें अफेजिया के कॉजेज़ के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात कर लेंगे डायग्नोसिस ब्रोकास अफेजिया, इसको डायग्नोस्ट कैसे किया जाता है। सो इफ़ अ स्ट्रोक और अदर फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी अकर्स, अ डॉक्टर विल टेस्ट फॉर द सिम्टम्स ऑफ अफेजिया। इफ़ यू और समवन विद अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बिगिंस टू शो ट्रबल विद स्पीकिंग और लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन और मेडिकल इवेल्यूशन शुड बी डॉन इमिडिएटली। कभी भी ऐसा इमिडिएटली लगता है कि बोलने में दिक्कत आ रही है या किसी तरह का लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में या स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस कंडीशन में हम शुरुआती में डॉक्टर को दिखा सकते हैं और वो चीज़ें डायग्नोसिस हो सकती है इस टाइम पे। सो दैट डॉक्टर विल स्पीक विद यू टू डिटरमाइन योर एबिलिटी टू कम्प्रहेंड एंड कम्युनिकेट। इफ़ प्रॉब्लम विद स्पीच और कम्प्रहेंशन आर अपारेंट और सस्पेक्टेड, एडिशनल टेस्टिंग विल बी डन। अगर उनको लगता है कि हाँ है, उनको सस्पेक्ट ऐसा लगता है, तो वो फिर अगला जो भी टेस्ट है वो करते हैं। तो जनरली इसके डायग्नोसिस के लिए MRI होता है, CT स्कैन होता है। सो दिस टेस्ट विल हेल्प डिटरमाइन द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द ब्रेन दैट्स अफेक्टेड एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। तो जब हम MRI के थ्रू या CT स्कैन के थ्रू इसके डायग्नोस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, और एग्जैक्ट पार्ट हमें पता चल जाता है, उसी हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो आई होप गाइज आप लोग को ब्रोकास अफेजिया समझ में आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और प्लीज़ गाइज प्लीज़, अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, मटेरियल पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।